हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना SSC का एग्जाम जो कि CGL का है। 8 दिसंबर को आपको हुआ था। 5:15 से लेकर 6:15 के बीच में, मतलब फोर्थ शिफ्ट आपकी, इस एग्जाम की फोर्थ शिफ्ट है। इसमें हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या क्या लॉजिक है, किस तरह से क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला बोला कि ओड ग्रुप निकालना, चारों में से कौन सा अलग है। तो आप देखोगे सभी को कि 4 से 40 बनाए तो मल्टीप्लाई 10 किया गया, 10 से 100 बनाया गया मल्टीप्लाई 10 किया गया, 5 से 50 बनाया गया मल्टीप्लाई 10 किया, लेकिन यहाँ 7 से 30 बनाया तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और ये अपना क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि दो साइनों को इंटरचेंज करना है ताकि करेक्ट इक्वेशन आ जाए अपने पास। तो आपको सारे के सारे ऑप्शंस मैच कराने हैं कि किस तरह से ये ऑप्शंस आएंगे, क्या सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ कि प्लस और माइनस को चेंज करना, तो 108 डिवाइड 2 स्टार, स्टार की जगह मल्टीपल आएगा। ठीक है भाई, 10 प्लस की जगह माइनस, 70 माइनस की जगह प्लस इज इक्वल टू 10। तो कर लो इसको, 2 से ही आपका कट जाएगा, तो 5 54 पर 54 गुना 10 आपका कितना चला जाएगा, 540, और इधर -60 आ जाएगा। तो 540 में से 60 माइनस करोगे तो 480 आपका राइट आंसर दे देगा, 480 है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी के ऑप्शन भी जरूर ट्राई करके देखिए, ये आपका मल्टीपल होता है। ठीक है, स्टार की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन दी गई है आपके पास, ऑल एन आर के। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है जो एन है वो सारे के सारे क्या है, के, और दूसरी बोले कि ऑल के आर पी, और सारे के सारे के क्या है, पी है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या बोला कि सम पी आर नॉट के, कुछ पी के नहीं है। अगर यहां पे पॉसिबिलिटी आ जाता, पॉसिबिलिटी आ जाता तो ये क्या होता, राइट होता। क्यों? क्योंकि कुछ पी के नहीं है। देखो एक चीज ये लिख दो, सम पी आर नॉट के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इस तरह भी हो सकती है कि सम पी आर के। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में क्या है, आपको एक चांसेस दिखाई देंगे, और जब एक चांसेस दिखाई दे वहां पर पॉसिबिलिटी आना जरूरी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा गलत आपका। बोला कि सेकेंड नो पी इज एन, कोई भी पी एन नहीं है। भाई बिल्कुल है, अगर के पी जो है वो के में है, सॉरी जो के है वो पी के अंदर है, इसका मतलब एन जो होगा वो के अंदर होगा। तो इसका मतलब एन भी जो होगा वो पी के अंदर है, तो इसका मतलब पी एन से रिलेट रखेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन दिया गया गलत। तो दोनों ही गलत हैं, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला कि देन विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट हमें बतानी है। ओके, तो ये पूरे रिलेशन हमें पता लगाने पड़ेंगे, एच एट द रेट वी, एट द रेट एच एट द एच जो है वो सिस्टर हो जाएगी वी की, वी भी सिस्टर हो जाएगी यू की, यू है स्टैक, यू वाइफ है, यू वाइफ हो जाएगी डब्लू की। ओके, डब्लू मेल हो गया, डब्लू एंड डब्लू इज ब्रदर ऑफ ई। ओके, ई पावर, पावर का बटन है ई, ई जो है वो मदर हो जाएगी किसकी, एक्स की। ओके, और एक्स हैश टैग, एक्स जो है वो वाइफ हो जाएगी किसकी, जेड की, जेड मेल हो जाएगा। जेड एंड, एंड का मतलब ब्रदर है, जेड जो है वो ब्रदर हो जाएगा किसका, आर का। ओके, और पावर का मतलब मदर है, आर जो हो जाएगी वो मदर किसकी हो जाएगी, एच की। ठीक है, बोला कि हमें स्टेटमेंट वो बताने जो उनसे गलत है, तो पहले हम ये आंसर बाद में चेक करेंगे, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं। बोला कि डब्लू इज हस्बैंड ऑफ यू, डब्लू इज हस्बैंड ऑफ यू, आप यहाँ देख सकते हो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, और जिसमें डब्लू क्या है, मेल है, तो इसका मतलब हस्बैंड हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इज द मदर इन लॉ ऑफ जेड, ई जो है वो मदर इन लॉ ऑफ जेड है, बिल्कुल करेक्ट बोला है, इतने में बिल्कुल करेक्ट बोला है, क्योंकि बेटी का हस्बैंड है, तो इसका मतलब वो ई जो हो जाएगी वो मदर इन लॉ हो जाएगी, तो ये आपका राइट दे देगा। यू इज सिस्टर ऑफ एच, यू जो है सिस्टर होगी एच की, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये आपस में बहने हैं, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है।
अब जेड इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एस, जेड जो है वो मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एस है। नहीं भाई, यहाँ पर जो तो जेड होगा वो एस का होगा, आपका अंकल, ठीक है। तो और ग्रैंडफादर का तो आपको पता है कि तीसरा रिलेशन चला जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ दो, आप इस तरह से भी पता लगा सकते हो कि दो एंड दो इज जेंडर है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी दो ही पीढ़ी है, ठीक है भाई। तो ग्रैंडफादर तो तीसरी पीढ़ी में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि पी जो है वो पैटर्नल अंकल है आर का, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शन अपने आप, चेक करो। मैं ये और चेक कर रहा हूँ कि पी जो माइनस है क्यू, पी माइनस क्यू, माइनस का मतलब ये रहा माइनस, ब्रदर है, पी ब्रदर हो जाएगा क्यू का, ठीक है। क्यू डिवाइड आर, डिवाइड यहाँ पर है तो डिवाइड फादर, क्यू जो है वो फादर है क्या आर का। तो पापा का भाई क्या होगा, अंकल होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। और बाकी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन एक बार चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि दो साइन और दो नंबर को इंटरचेंज करने पर करेक्ट बताने क्या होगी, तो आपने आप चेक करें, मैं एसएससी के अकॉर्डिंग चेक करूंगा फर्स्ट सेकंड ऑप्शनों को। तो 18 30 को इंटरचेंज करेंगे डिवाइड माइनस को, तो 189 डिवाइड माइनस को इंटरचेंज करें तो माइनस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 30 की जगह 18 प्लस 18 की जगह आपका 30 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 6 हो गया और यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा, माइनस 186 माइनस 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपको, ये सॉरी 189 है तो 159 आपका राइट आंसर दे देगा, बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट मैच होगा। बाकी अपने आप जरूर ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि ये फिगर कौन से ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, तो सेकंड ऑप्शन में कहाँ पर है ये आप, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप लाइन देखोगे, साथ में ये लाइन देखोगे और ये आप ये लाइन देखोगे, ठीक है, और इसके साथ ये वाली और इसके साथ ये वाली, तो ये मैच कर रही है बिल्कुल, ओके, ये फिगर अपना मैच कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि इसमें क्या आएगा, ठीक है, स्टार चेक कर लेते हैं, स्टार ऊपर है नीचे है, फिर ऊपर है नीचे आएगा आपकी बार, स्टार स्टार नीचे आएगा, ठीक है भाई। और ये राउंड एक बार सर्कल चेक कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब एक एक कम हो रहे हैं, इसमें आपके 9 सर्कल हैं, इसमें 8 सर्कल हैं, इसमें 7 सर्कल हैं, तो इसका मतलब इसमें 6 सर्कल आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका स्टार नीचे है तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 आने चाहिए, ठीक। सेम आपका यहाँ पर 7 सर्कल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप चेक कर लेना। इसमें स्टार जो है ऊपर की तरफ है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें अलग इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिल करना है ये पता लगाना है, तो हम क्या कौन सा लेटर लें, फर्स्ट लेटर तो सभी ऑप्शन के मैच हैं, तो हम सेकंड ले रहे हैं, तो AC1 C3, यह क्या आएगा, फिर आपका G7 और I9, तो सभी में आपको पता है दो दो ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी दो कितना होगा, दो ऐड होगा, और दो ऐड होगा जब 5 आ जाएगा, 5 पे कौन सा लेटर होता है, ए, ठीक है, तो एफ वाले को हटा दो। आगे चेक करें तो ओ भी मैच कर रहा, थर्ड लेटर चेक कर लो, एफ एफ 6 और G7, I9 और J10, तो एक एक लेटर सॉरी एक एक नंबर आगे हो रहा है, तो एक एक प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 पे कौन सा लेटर होता है, एच, यहाँ पर आई है, इसको कट कर दो और ये आपका राइट आंसर दे देगा।
दसवां में क्या है कि मिरर इमेज हमें बतानी है, किस तरह दे रखी मिरर इमेज राइट साइड ऑफ फिगर। ठीक है, यहाँ पर आपकी मिरर रखा हुआ और इसकी इमेज हमें बतानी है। तो ये देखो ये ऊपर रहेगा, ये पॉइंट भी ऊपर रहेगा, तो यहाँ पर डाउन है तो ये कट हो जाएगा, राइट। और ये जो ऊपर वाला फेस है, यहाँ पर ये फेस गायब है तो ये कट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है, फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल ये भी नीचे है डाउन है तो ये गलत हो जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि बर्ड नेस्ट में रहते हैं, सॉरी हाँ पक्षी जो घोंसले में रहते हैं, रैबिट, रैबिट के घर का नाम बोरोन होता, बोरो होता है, ठीक है, ये आप खुद चेक कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि 4/6/19, सॉरी 4/9/16, ओके 25/36/49। आई थिंक मेरे ख्याल से क्या होगा, डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि चलो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 4 और 9 में डिफरेंस 5 का होता है, यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, हो जाएगा 7 का हो जाएगा, यहाँ पर 11 का है, यहाँ पर 13 का है, ठीक है। लॉजिक ये लगाया हो कि इन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर बाकी एक इस ऑप्शन में आपको मैच करा दे, नहीं सॉरी, ये सारे इंक्रीजिंग नंबर है ना, तो एक बार आप चेक करो कि इंक्रीजिंग नंबर है, सिर्फ इसी ऑप्शन में इंक्रीज है और बाकी ऑप्शन में यहाँ पर फिर डिक्रीज हो गया, यहाँ से फिर डिक्रीज हो गया, तो ये तो दोनों वैसे ही कट हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेकेंड आप मैच करके देखे और लॉजिक लगा के देखे, तो यहाँ 49/64 करोगे तो आप कितना आएगा, सॉरी सॉरी भाई, आप अगर डिफरेंस चेक करना था तो डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से ये कि यहाँ आइडिया आया है वो क्या है कि ये स्केयर है, आप देखोगे स्केयर है, ये 2 का स्केयर, ये 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, कंटिन्यू है, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, तो स्केयर होने चाहिए, तो स्केयर इनमें भी है और कंटिन्यूस है, तो यह आपका 1 का स्केयर है, ये 4 का है, तो कंटिन्यू नहीं होगा तो ये कट हो जाएगा, ये आपका 7 का स्केयर, ये आपका 8 का स्केयर, ये आपका 9 का स्केयर, ये कंटिन्यू है तो ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। और बाकी आप अपने डिफरेंस से भी पता कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन अपना राइट होना चाहिए। बोला कि फेस अपोजिट ऑफ 2, 2 का अपोजिट फेस हमें बताना है, 2 यहां पर है, हमें तो पहले वो नंबर निकाल लो जो 2 के साथ है, सॉरी कोई, तो आप एक काम करो इन दोनों फिगर को मैच करो, ठीक है। अब पहले तो हम 2 के साथ नंबर देख लेते हैं, 5 और 4, 5 और 4 को तो उड़ाओ बेस, ठीक है, ये तो अपोजिट हो नहीं सकता। अब आपको पता कैसे चलेगा 6 या 3 है, देखो इन दोनों के सेम फेसेस मिला, ठीक है 4, अब जिस तरह से क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज टर्न कर दो, तो 6 के साथ जो अपोजिट होगा, 6 के साथ जो अपोजिट होगा वो 5 होगा, ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, 6 का अपोजिट जो होगा वो 5 होगा, 2 का अपोजिट थर्ड फिगर अपने आप में, थर्ड सरफेस अपने आप में अपोजिट हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा, राइट। और 1 का अपोजिट निकालना हो तो आपको देखो, 1 का मैं बता देता हूं, तो 1 का आपको निकालना हो तो 1 के साथ क्या क्या है, 6 है 3 है 5 है, 6 3 5, ठीक है, तो 2 तो अपोजिट हो गया, 1 बचा 4, ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और अगर और आपको निकालना तो देखो, 3 सरफेस सेम है, 3 3, ठीक है, तो 5 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो आपका टर्न कर जाएगा, और टर्न करके यहाँ पर आएगा, ठीक है एंटी क्लॉक, और ये टर्न करके यहाँ पर, क्योंकि अगर ये टर्न करेगा तो ये नीचे चला जाएगा और ये जो हो जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, तो बस हमें वो इस सरफेस लेकर आना, तो इस तरह से कोई भी आप ठीक कर सकते हो। 2 का अपोजिट पूछा है, 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि स्टेटमेंट कंक्लूजन हमें निकालनी है, ऑल गोरिल्लाज आर बियर्स, सभी गोरिल्ला क्या है, बियर है, ऑल पिग आर बियर, ओके,
ऑल बियर्स आर टाइगर, तो इधर भी ले लेता हूँ टाइगर को, इधर भी ले लेता हूँ टाइगर को, ठीक है। ऑल पिग्स आर टाइगर, सभी पिग्स जो हैं वो टाइगर हैं, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम में देखा तो पिग पिग बियर के अंदर है, और बियर जो हो गया टाइगर के अंदर है, तो इसका मतलब पिग जो हो जाएगा वो टाइगर के अंदर हो जाएगी, मतलब सारे सारे पिग जो है टाइगर आ जाएंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल टाइगर और गोरिल्लास, अगर हम इस फिगर में चेक करें तो ऑल टाइगर बोला कि टाइगर जो है सारे के सारे गोरिल्लास है, नहीं। अगर सम होता तो ये आपका राइट हो जाता, क्यों बताता हूं मैं आपको, क्योंकि जो गोरिल्ला जो है वो टाइगर का कुछ हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है, ना कि पूरा पूरा। अगर पूरा होता तो ये हम बाहर से ले जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगा, तो इसका मतलब ऑल का ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया। सम टाइगर्स आर पिग, कुछ टाइगर्स क्या हैं, पिग हैं, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट बोल जाएगा कि जो पिग हैं वो टाइगर का कुछ हिस्सा लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड कंक्लूजन। तो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि ओड निकालना है, तो ओड निकालने के लिए हम लास्ट के दो लेटर का यूज करते आए हैं इस बार बार, तो G7E5 J10H8, L आपका 12, J आपका 10, P16, E आपका 14। तो यहाँ पर मुझे कोई अलग नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं और बाकी दो लेटर भी ले रहा हूँ, 15 9 17 11 और 19 30 17 16 23 16 17। तो यहाँ पर आप चेक करोगे वन का डिफरेंस है, यहाँ पर भी वन का डिफरेंस है, यहाँ पर भी वन का डिफरेंस है, यहाँ पर आप चेक करोगे दो का डिफरेंस है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये अलग होने वाला है, तो इसका मतलब ये अपना राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि 12 51 5 8 30 2, तो मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए कि 51 जो मुझे 17 का टेबल दिखाई दे रहा, तो यहाँ से हम 17 बना लेते हैं, तो दोनों प्लस कर लिया, 17 आ गया, ठीक है। 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51 आ गया। सेम हम यहाँ काम करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 10 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो ये आ गया, बिल्कुल करेक्ट लॉजिक लगा हुआ। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा वो फर्स्ट प्लस थर्ड को, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई 3 करा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, ये आपका लॉजिक लगा हुआ यहाँ पर, ओके। तो एक ऑप्शन चूज कर लो, तो ये आपका, मैं लास्ट वाला चूज कर रहा हूँ, तो ये आपका राइट हो जाएगा, 11 और 6 17 17 51, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, बाकी अगर आप चाहो तो 3 का डिविजिबल रूल याद कर लो, ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये होता है, लेकिन 14 और 16 को फिर प्लस करोगे, 14 और 16 को प्लस करोगे तो 30 होता है, 30 मल्टीप्लाई 3 90 आता है, तो यहाँ 120 दे रहा था, ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, लंग्स को बोला गया ये, पावर को बोला गया ये, और एलोक्वेंट को क्या बोलेंगे हमें बताना है। तो लंग्स क्या होता है, नंबरिंग लिख लो, 12 21 14 7 19, ओके, O15 U2 X24 Q17 J10 V22। अगर आप चेक करोगे सभी में प्लस 3 हो रहे हैं, सभी के प्लस 3 ऐड हो रहे हैं, राइट। चलो इसमें चेक कर लेते, ये आपका 5 12 15 17 21 5 14 20, ठीक है, प्लस 3 ऐड कर दो, तो सभी में प्लस 3 ऐड करना, तो 5 और 3 8, 8 पे कौन सा होता है एच, ठीक है, सभी को हटाओ। और अब हमें एक ऐसा लेटर चूज करना है जो इनमें अलग हो, तो ओ भी है आर क्यू, तो देखते हैं आर आएगा थर्ड नंबर पे, 15 में 3 ऐड करेंगे, 18 18 पे क्या होता आर, ठीक है, 18 पे क्या होता आर, तो यहाँ पे क्यू दिया हो कट कर दो, तो बाकी के सारे लेटर अपने आप मैच करके देखें कि क्या ये मैच होंगे प्लस 3 ऐड करने पर, तो उम्मीद करता हूँ अपने आप ट्राई कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं, बोला कि इंटरचेंज करने पर 2 नंबर को करेक्ट बताना है, सारे के सारे आप ऑप्शन मैच करेंगे, तो मैं लास्ट वाला कर रहा हूँ, 7 और 3 को अलग अलग करना है, 7 की जगह 3 3 की जगह 7,
प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 14 आ गया और यहाँ से 3 आ गया, तो 3 प्लस 10 कितना होता है, 13 होता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी के बाकी अपने आप सॉल्व करके देखेगी कि आंसर आना चाहिए था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि बेस को ये बोल देगा, माइंड को ये बोल देगा, काम को क्या बोलेंगे। तो सिंपल सा है, आप देखोगे कि बेस लेटर सारे के सारे मैच है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ई ए एस बी, आई थिंक ये दोनों इंटरचेंज किए गए हैं, ठीक है। तो काम को क्या बोलेंगे, सी को यहाँ लिख दिया, एम को लास्ट पहले लिख दिया, तो एम को पहले लिख दिया तो ये कट करो, ये कट करो। अब सी को लास्ट में लिखा गया तो सी यहाँ पर एल है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के दोनों लेटर अपने आप मैच करके देखे और इसको भी खुद मैच करे, ठीक है। मतलब जो छोड़ देता हूँ मैं, वो अपने आप खुद मैच करके देखो एक बार, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसमें देख लो भाई कौन सा लेटर अलग है, तो डी एम वी एन ये सारे अलग है, तो सेकंड लेटर ही चेक करते हैं टाइम बचाने के लिए। बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, सारे के सारे लेटर अपने आप सीरीज बना सकते हो। तो 2 7 12 17, 2 7 12 17, तो यहाँ पर आप चेक करोगे प्लस 5 है, प्लस 5 है, ओके, आगे प्लस 5 है, तो आगे हम करेंगे तो प्लस 5 ऐड कर देंगे, और प्लस 5 ऐड करोगे तो 22, और 22 पे कौन सा लेटर आता है, वी आता है, ठीक है। तो वी आपका थर्ड ऑप्शन में है, इनको कट कर दो और ये आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि अरेंज करने पर थर्ड पोजीशन हमें बतानी है, तो अरेंज करने पर जो लेटर आपके सभी के में मैच कर रहे हैं उसको डिलीट करो, और डिलीट करने के बाद फिर उससे अगला लेटर आप चेक करो कि कौन सा पहले आना चाहिए, एस पी जी सी पी, मतलब चार लेटर हैं एस पी जी सी, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सी आएगा, तो सी को आप फर्स्ट पोजीशन दे दोगे, ठीक है। फिर एस पी जी में जी आएगा सेकंड नंबर पर, ये आ जाएगा। अब एस और पी में पी आएगा, और लेकिन पी के यहाँ पर दो हैं, दो हैं, तो इसका मतलब एच और ए के साथ कंपेयर करना, तो ए पहले आएगा एच से, तो ये आपका थर्ड पोजीशन दे देगा, एच फिर आएगा फोर्थ पोजीशन पर, और फिर ये आपका एच पांच फिफ्थ पोजीशन पर। जो भी पूछा आपसे आप लगा देना, और यहाँ से थर्ड पूछा है तो थर्ड आपका लास्ट वाला टेलीपाथ, टेलीपाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि 52 41 46 18 50, तो इसमें हम देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा। तो इसमें भाई 52 क्या दे दी, ठीक है, मैं एक ट्राई करके देखता हूँ। देखो आप यहाँ पर डिफरेंस से भी कोई आंसर नहीं निकाल सकते, और 41 41 को डबल कर सकता हूँ मैं 82, ठीक है, डबल कर दिया राइट, और 82 बनाना, तो 82 52 प्लस 30 आएगा, तो मतलब इसका 3 मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया। यहाँ लॉजिक लगा के देखते हैं, क्या इसका डबल करेंगे 100 हो जाएगा, और इसका ट्रिपल करेंगे तो ये आपका 54 प्लस 40, ओह लग गया लॉजिक पे, ठीक है। क्या लॉजिक लगा देखो, फिर समझाता हूँ मैं आपको इसमें क्या लॉजिक मैंने लगाया है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको क्या किया, ट्रिपल किया, 30 बना लिया, और 30 को मैंने 52 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 82 आ गया, 82 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ गया। सेम आपका सॉरी, इसको ट्रिपल करेंगे 54 आएगा, और इसको 46 के साथ प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक ये लगा कि फर्स्ट को हम प्लस करेंगे किससे, थ्राइस ऑफ सेकंड, थ्राइस ऑफ सेकंड, और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपना थर्ड वाला आ जाएगा, ये लॉजिक लगाया गया है। तो बाकी ऑप्शन अपने आप चेक करें, मैं एक बार इस ऑप्शन को फिट कर रहा हूँ यहाँ पर, 68 प्लस थ्राइस ऑफ 26,
थ्राइस ऑफ 26 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करोगे ये आपका 34 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 34 प्लस 39 किया गया यहाँ पर, तो आप 73 ला दोगे, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन ऑप्शन को मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने ये, तो घबराना मत, ठीक है, इस क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 98, 70, 42, 14, यहाँ क्या आएगा, फिर -42। ओके, तो आप डिफरेंस चेक करोगे, यहाँ पर आप का डिफरेंस जो है वो 28 का, यहाँ पर भी 28 का, माइनस का 28, यहाँ पर -28 किया गया, यहाँ पर भी -28 करोगे तो 14 -28 करो तो -14 आएगा, -14 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि इस फिगर में क्या आने वाली है, लास्ट वन वन, ठीक है, अल्फाबेट चेक कर लो, ये आपका 1 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 7, ये आपका 10, आपकी बार 3 3 8, और ये 13 आएगा, 13 पर कौन आता है, एम आएगा, तो एम जो होगा वो ऑप्शन आपका राइट होगा। देखो यहाँ पर एन है, कट कर दो, एन है कट कर दो, और यहाँ अब दो ऑप्शन में एम है, तो इसके अलावा और हमें मैच करना पड़ेगा। अब मैच करने के लिए आप वो देखो, देखो ट्रायंगल और स्क्वायर की चेंजेस शेप दे रखे, बाकी सर्कल आपका सेम दे रखा है, तो स्क्वायर और हमें किस पर काम करना पड़ेगा, सॉरी ये स्क्वायर और ट्रायंगल पर, तो देखते हैं। तो ये ट्रायंगल सेकंड पोजीशन, फिर थर्ड पोजीशन पर है, फिर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पर ट्रायंगल आएगा, सेकंड पोजीशन पर ट्रायंगल आने वाला है, तो सेकंड पोजीशन पर देख लो ट्रायंगल कौन से में है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन में ये राइट हो जाएगी, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, लास्ट वन, बोला कि ट्रिग्नोमेट्री को ये बोला गया है, और एक्सेलरेशन को ये बोला गया है, अप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे। एक चीज ये देखो कि आपको अगर जब पढ़ रहे हो तो इसमें आप ये देखोगे कि सारे सारे लेटर इसमें मैच करा रहे हैं, तो लेटर मैच करा रहे हैं तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाई आर टी ई एम ओ टी आर आई जी ओ एन, तो यहां से लेके यहां तक जैसे मैंने लिखा तो मुझे ये पता लगा कि ये पोजीशन एज इट इज रख दी गई है। ठीक है, और अब ये पोजीशन को रिवर्स कर दिया गया और इधर रख दिया गया, रिवर्स करके। ठीक है, ये पोजीशन आपकी रिवर्स कर दी गई है। ठीक है, ये एज इट इज रख दी गई है। ओके, तो कितने लेटर हैं, पहले पहले 6 6 12 हैं, तो मतलब आधे आधे लेटर को चेंजेस किया गया, तो हमें किसका निकालना है, अप्रिसिएशन का, तो ए पी पी आर ई सी ए आई ए टी आई ओ एन, तो लास्ट के लेटर एज इट इज मतलब सॉरी रिप्लेस करना है, तो इनको रिप्लेस करोगे और आगे लेके आओगे तो क्या बनेगा, एन ओ आई टी आई सॉरी टी ए आई सी, एक मिनट ज्यादा नहीं ले लिए, आई थिंक आई से स्टार्ट होना था। ठीक है भाई, आई से स्टार्ट होना था भाई, आई ओ एन। ठीक है, तो ये सी को हटा देते हैं, तो एक बार आप मैच करो कि ये दे रखा है आई तक। ओके, यहाँ पर ए आई की पोजीशन चेंज है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, तो ये तो आपका कट हो गया। अब ये आप एज इट इज रख देंगे, एज इट इज रख देंगे, एज इट इज। ठीक है, तो ए पी आर आर ए सी तक, तो ए पी पी आर ई सी डबल पी है, सॉरी भाई यहाँ पर डबल पी है। ठीक, तो आप एक बार ऑप्शन मैच कर लेना, और यहाँ पर ये तो आपका कट ही हो गया, यहाँ पर पी आर आर आना था, ये कट हो गया, ये आपका यहाँ से कट हो गया, और पी ए पी है, लेकिन यहाँ पर क्या आना था, ए और पी की पोजीशन चेंज है, ये आपका कट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के 25 के 25 क्वेश्चन आपको
समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।